13 अप्रैल से चैत्र महीने के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा का उत्सव चलता है, लेकिन क्या आप में से कोई जानता है कि इस दौरान बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, और इसी के साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप भी उन कामों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन से काम नवरात्रि में करने चाहिए। मंदिर जाना। नवरात्रों में प्रतिदिन व्यक्ति को माता जी के मंदिर में जाकर माता का ध्यान करना चाहिए। अपने और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता रानी से करनी चाहिए। देवी को जल अर्पित करना। शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता को अर्पित किया जाता रहे तो इस कार्य से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नंगे पैर रहना। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। 9 दिनों तक का व्रत रखना। आज यह बात विज्ञान भी मानने लगा है कि यदि व्यक्ति उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या ही है। विशेष श्रृंगार करना। नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। अष्टमी पर विशेष पूजा। माता जी के 8वें दिन माता जी की विशेष पूजा का आयोजन किया जाना शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो उत्तम रहता है, और यदि ब्राह्मण ना हो तो खुद से माता स्त्रोत पाठ और ध्यान करना चाहिए। माता की अखंड ज्योति। नवरात्रि में माता जी की अखंड ज्योति यदि देसी गाय के घी से जलाई जाए तो यह माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से माता की अखंड ज्योति पूजा स्थान पर जरूर जलानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। नवरात्रों में एक बात का विशेष ध्यान सभी को रखना चाहिए कि यदि आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि नवरात्रि के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 रात्रों में घर के अंदर लहसुन और प्याज प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान ना तो नाखून काटने चाहिए और ना ही बाल। एक बात का विशेष ध्यान हर किसी को रखना चाहिए कि इस बीच मांस और मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।